पापा के बर्थडे का सरप्राइज गिफ्ट, सारेगामा कारवा। कारवा क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ और हिंदी सिनेमा के किस्से, कहानियां और गाने लेकर एक बार फिर से यहां हाजिर हूं। आज की मेरी प्लेलिस्ट उस एक सिंगर के बारे में है जिनके बिना 90s की ज्यादातर फिल्में इनकम्प्लीट होती। जो आज एक लौती ऐसी इंडियन सिंगर हैं जो 27 रीजनल लैंग्वेजेस में गाने गा सकती हैं, वो जिनके नाम में ही सरगम है और जिनकी आवाज कोयल जैसी मधुर है। मैं बात कर रही हूं सिंगिंग स्टार, 90s की सिंगिंग सेंसेशन साधना सरगम जी की, जिन्होंने पहला नशा, नैना मिलाई के, आओ ना और चुपके से लग जा गले जैसे कई सारे हिट गाने गाए हैं। वैसे क्या आप जानते हैं, साधना जी ने म्यूजिक अपनी माँ से सीखा था। जी हाँ, साधना जी की माँ नीला घानेकर जी भी एक क्लासिकल सिंगर ही थी। हालांकि उन्होंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन वो अपने घर पे बच्चों को संगीत सिखाया करती थी। जब साधना जी छोटी थी तो वो देखती थी स्टूडेंट्स को म्यूजिक सीखते हुए और उनका भी मन कर गया म्यूजिक सीखने का। फिर वो अपनी माँ से जिद करने लगी कि वो उन्हें भी गाना सिखाए। पहले तो उनकी माँ को लगा कि शायद बच्चे जैसे गाने गाते हैं, राइम्स या पोएम्स, वो कुछ सीखना होगा साधना जी को। लेकिन फिर साधना जी ने कहा कि वो जो सुबह सुबह गाती हैं आप, यानी कि उनकी माँ जब रियाज करती होंगी, जो राग वगैरह गाती थी, साधना जी को इतने बचपन में वो सीखने का मन था। फिर जाके साधना जी ने उनकी माँ से क्लासिकल गाने सीखे। वैसे तो हम सब जानते हैं कि हिंदी सिनेमा में साधना जी ने 90s के कई पॉपुलर गाने गाए हैं, लेकिन उनके करियर की शुरुआत लेट 80s में ही हो गई थी। कौन थे वो जिन्होंने साधना जी को ब्रेक दिया था, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन आइए उसके पहले शो की शुरुआत करते हैं वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक 90s के सॉन्ग के साथ। आमिर खान का पर्सनल फेवरेट है और मेरा भी। साधना जी कहती हैं कि इस गाने की उन्हें सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आती है किसी भी लाइव शो में या स्टेज शो में, और अगर आज मेरे सामने होती तो मैं भी यही बोलती कि यही गाना सुनाइए सबसे पहले। गाना है जो जीता वही सिकंदर फिल्म से, उदित नारायण जी के साथ में गाया हुआ साधना जी का गाना, पहला नशा। कहो यारो क्या कर...
पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार, उसने बात की कुछ ऐसे ढंग से, सब
कारवा क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ। साधना जी के आज सुपर हिट गाने सुन रहे हैं आप और आई होप आपको ये गाने बेहद पसंद आ रहे हों। साधना जी ने बॉलीवुड में अपना सबसे पहला गाना कातिलों के कातिल फिल्म में गाया था, जिसमें उन्हें सिर्फ एक छोटा सा मुखड़ा गाना था और ये मौका उन्हें म्यूजिक माइस्ट्रो कल्याण जी आनंद जी ने दिया था, जो उस दौर में कई न्यूकमर्स को गाने का मौका दे रहे थे। फिर साधना जी ने रुस्तम फिल्म में एक पूरा गाना गाया, जो कि उनके लिए काफ़ी बड़ी बात थी क्योंकि वो इंडस्ट्री में नई ही थी। फिर उसके बाद उन्होंने रति अग्निहोत्री जी की फिल्म पिघलता आसमान के लिए गाना गाया, जिसे ईला अरुण जी ने लिखा था। इनफैक्ट ये गाना उन्होंने लाइव रिकॉर्ड किया था और इसी कारण ये गाना आज तक भी उनके दिल के बहुत करीब है। पता है, ये फिल्म उन आखिरी कुछ फिल्मों में से थी जिसमें लाइव रिकॉर्डिंग हुई थी, क्योंकि 90s में लाइव रिकॉर्डिंग तो मानो बंद ही हो चुकी थी। वैसे जानते हैं आप, कल्याण जी आनंद जी के साथ उनकी काफ़ी पहले 70s के दौर में ही मुलाकात हो गई थी। कैसा इम्पैक्ट था उनका साधना जी की लाइफ में, बताऊंगी आपको। लेकिन उसके पहले चलिए सुनते हैं उस फिल्म से गाना जिसकी एल्बम 2003 की 13th हाईएस्ट सेलिंग एल्बम बन गई थी। फिल्म ज़्यादा नहीं चली थी बॉक्स ऑफिस पर जैसा मैंने कहा, गाने तो सुपर हिट थे। फिल्म थी कुछ ना कहो और उसी का टाइटल ट्रैक सुना रही हूँ अभी आपको, सुनिए ज़रा। सब मेरे दिन सब रातें तुम्हारे ख्यालों में रहते हैं गुम, कहनी है तुमसे जो बातें, बैठो जरा अब सुन भी लो तुम। क्या मेरे ख्वाब है, क्या है मेरी आरज़ू, से ये दास्तां क्यों ना कहूं रूबरू।
कुछ रहा नहीं कुछ ना कहो कुछ ना कहो कुछ ना कहो कुछ ना कहो हल्की हल्की मुलाकातें थी दूर दूर से बातें थी क्यों लड़खड़ाई धड़कन क्यों थर थर आए तन मन क्यों होश मेरा यूं खो गया है मैं क्या कहूँ कुछ ना Love this episode? Offline this video now and enjoy this show anytime, anywhere. जब से तुमको देखा है सनम क्या कहें कितने हैं बेचैन जब से तुमको देखा है सनम क्या कहें कितने हैं बेचैन जब से तुमको चाहा है सनम क्या कहें कितने हैं बेचैन पहली नजर है ना है दिल पे मेरे काबू हाँ पहली नजर ने किया ऐसा जादू ना होश है ना है दिल पे मेरे काबू ये सोच के घबराओ आशिक न बन जाओ जब से तुमको मांगा है सनम नींद है ना मुझे कहीं चैन जब से तुमको देखा है सनम क्या कहें कितने हैं बेचैन Thank you.
कितने हैं बेचैन। कारवा क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ, और आज हम साधना सरगम जी के सुपर हिट गाने सुन रहे हैं और उनकी जिंदगी के कुछ अनसुने किस्से भी मैं आपको सुना रही हूं। वैसे आज के सभी गाने मेरे सारे गामा कारवा से आप सुन रहे हैं। आई होप आपको ये गाने बहुत पसंद आ रहे हों। जानते हैं आप, साधना जी कल्याण जी आनंद जी से मिली थी उनके म्यूजिक अरेंजर अनिल मोहिले जी के थ्रू, जब वो 1978 में तृष्णा फिल्म के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे थे तारदेव में, मुंबई में जो है। तब साधना जी करीब 20 साल की ही थी और वो पहली बार किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गई थी और उन्हें किशोर दा को लाइव सुनने का मौका मिल गया था। कल्याण जी आनंद जी से थोड़ी बहुत बातचीत भी हो गई थी। वैसे आज भी साधना जी अपनी कामयाबी का श्रेय कल्याण जी आनंद जी को ही देती हैं, क्योंकि उन्होंने साधना जी को हर चीज़ में गाइड किया, प्रैक्टिकल सिंगिंग से लेकर लैंग्वेज तक। साधना जी महाराष्ट्रियन हैं तो शुरुआत में शब्दों पर प्रॉपर कमांड उनको नहीं आ रहा था और इसीलिए कल्याण जी आनंद जी ने साधना जी को उर्दू सीखने के लिए कहा, और तब साधना जी ने एक मौलवी से लेसन्स लेना शुरू किए थे और उर्दू सीखा। चलिए और भी ऐसे ही किस्से सुनाऊंगी आपको, लेकिन उसके पहले सुनते हैं अगला गाना। गाना है उस फिल्म से जिसमें 30 साल के बाद दिलीप कुमार साहब और राजकुमार साहब साथ में दिखाई दिए थे और फिल्म के डायरेक्टर सुभाष जी उन्हें सेट्स पे चुन्नू मुन्नू बुलाया करते थे। मैं बात कर रही हूँ सौदागर फिल्म की, और उसी से वो गाना जिसे साधना जी ने मोहम्मद अजीज साहब के साथ गाया था। गाना है इमली का बूटा। मैं कुछ भी कर जाऊंगा
गीत वही बचपन का छे तिनक तिनक तिन तारा तिनक तिनक रे तिनक तिनक तिन तारा तिनक तिनक रे इमली का बूटा बेरी का पेड़ इमली खट्टी मीठे वे। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस एपिसोड डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस एपिसोड विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. Chanda re, kabhi to zami par aa, baithenge baate karenge. Chanda re, kabhi to zami par aa, baithenge baate karenge. चंदा रे कभी तो समी पर आ बैठेंगे बातें करेंगे तुझको आते इधर लाज आए अगर ओढ़ के आ जा तू बादल गने चंदा रे कभी तो समी पर आ बैठेंगे बातें करेंगे तुझको आते इधर लाज आए अगर ओढ़ के आ जा तू बादल घने गुलशन वादी वादी बहती है रेशम जैसी हवा गुलशन गुलशन वादी वादी बहती है रेशम जैसी हवा जंगल जंगल पर्वत पर्वत है नींद में सब एक मेरे सिवा चंदा चंदा आजा सपनों की नीली नदियों में नहाए आजा तुझको आते इधर लाज आए अगर ओढ़ के आ जा तो बादल घने Thank you.
सावन महीना घटाओं का चंदा से पूछेंगे हम सारे सवाल निराले चंदा के पर क्यों इतने रंगी होते हैं जुगनू रातों में जागे तो कब सोते हैं इन धुंधली धुंधली राहों में याद दोनों ही खो जाए बैठेंगे बातें करेंगे तुझको आते इधर लाज आए अगर ओढ़ के आ जा तो बदल घर कारवा क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप. मैं हूं रुचि आपके साथ. साधना सरगम जी के गाने आज आप सुन रहे हैं और उन्हीं की जिंदगी के किस्से कहानियां मैं लेकर आई हूं आपके लिए. साधना जी, जब 90s में जो जीता वही सिकंदर फिल्म के गानों से पॉपुलर हो गई थी तब उन्हें लता जी और आशा जी के साथ कंपेयर किया जाता था. कहते थे कि साधना जी की हाई ऑक्टेव वॉइस लता जी से मिलती थी और लो ऑक्टेव वॉइस आशा जी से मिलती थी. लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया और वो और हिट गाने देती गईं तो उन्होंने अपना एक डिस्टिंक्ट स्टाइल डेवलप किया. सुना है साधना जी के कारण ही लता मंगेशकर जी और कल्याण जी आनंद जी के बीच थोड़ी सी कोल्ड वाइब्स आ गई थी, थोड़ी दिक्कतें आई थी. हुआ कुछ ऐसा था कि कल्याण जी आनंद जी साधना जी को लता जी के साथ कंपेयर करते थे और लता जी को लगा कि उन्हें अपने से काफ़ी जूनियर सिंगर से कंपेयर करना फेयर नहीं है. खैर, एक टाइम आया जब साधना जी ने सिर्फ साउथ की फिल्में ही की और कामयाबी भी उन्हें काफ़ी मिली. कैसा था उनका एक्सपीरियंस बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले जो जीता वही सिकंदर फिल्म से सुना रही हूँ आपको अगला गाना. जो नहीं समझे कि हम हैं किसके दीवाने वो हमारी आशिकी का रंग क्या जाने अरे हाँ समझो न मेरी जान
आजा ना ना। आजा मेरी बाहों में तू जाना नहीं रे ना ना। आजा मेरी बाहों में तू जाना नहीं रे ना ना। यहाँ तो बड़े बड़े लुट गए खड़े खड़े बच के वो भी कहाँ जाएंगे सुन के मेरी सदा छोड़ के ना जो अदा कच्चे धागे में बंध आएंगे यहाँ तो बड़े बड़े लुट गए खड़े खड़े बच के वो भी कहाँ जाएंगे सुन के मेरी सदा छोड़ के ना जो अदा कच्चे धागे में बंध आएंगे जो नहीं समझे के हम हैं किसके दीवाने हे हे वो हमारी आशिकी का रंग क्या जाने अरे हा आहा आहा समझो न मेरी जान शहर की परी समझो न मेरी जान कारवा क्लासिक के न्यू एपिसोड्स हर थर्सडे रिलीज होते हैं सो प्लीज सब्सक्राइब टू सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन द ऐप ताकि हम हर हफ्ते कुछ नई कहानियों और गानों के साथ मिलते रहें।
कारवा क्लासिक रेडियो शो पर वेलकम बैक। मैं हूं रुचि आपके साथ। साधना सरगम जी के गाने आज लेकर आई हूं आपके लिए। मेरे सारेगामा कारवा से सुन रहे हैं आप ये गाने। साधना जी ने जब तमिल में गाना शुरू किया तब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े कंपोजर्स ने उनकी काफ़ी तारीफ की। और क्या आप जानते हैं, वो इकलौती ऐसी सिंगर हैं जो कि साउथ ऑफ इंडिया से नहीं है, पर फिर भी उन्हें एक तमिल सॉन्ग के लिए नेशनल अवार्ड मिला है। वैसे तो उन्होंने कई अवार्ड्स जीते हैं, लेकिन उन्हें तमिल सॉन्ग पट्टू सोली के लिए, जो कि अजहागी फिल्म से था, उसके लिए नेशनल अवार्ड मिला था। और साउथ की फिल्मों का म्यूजिक और हिंदी फिल्म के म्यूजिक में एक चीज जो कॉमन है वो है एआर रहमान साहब, जिनके साथ साधना जी की एक अलग ही ट्यूनिंग है। इनफैक्ट रहमान साहब साधना जी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। उनके हिसाब से साधना जी उन कम सिंगर्स में से हैं जो रहमान साहब के इमेजिनेशन को गानों में एकदम सही तरह से ला सकती हैं। और पता है आपको, साधना सरगम जी एआर रहमान साहब को कभी भी ना नहीं कहती, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर रहमान साहब किसी चीज़ के लिए बुला रहे हैं तो वो सही ही होगा और उनके लिए अच्छा ही होगा। चलिए फिलहाल सुनाती हूँ आपको अगला गाना, साधना जी का ही गाया हुआ गाना, दिल आशना है। ये गाना सुनिए और सुनते रहिए कारवा क्लासिक रेडियो शो मेरे याने रुचि के साथ। Thank you.
गम के सदके जाऊं, मैं हूं तेरे साथ में के दे दे तू इन हाथों को सनम मेरे हाथ में। तेरे गम के सदके जाऊं, मैं हूं तेरे साथ में के दे दे तू इन हाथों को सनम मेरे। शो को आप एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स। जो सब करते हैं यारो वो क्यों हम तुम करें, यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे, घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे। यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे बच के रहना मेरा नहीं समझे है वो हमें, तो क्या जाता है।
हमारी बाजी को जीतना हमें आता है। गलियां अपनी ये रास्ते अपने कौन आएगा अपने आगे, राहों में हमसे टकराएगा जो हट जाएगा वो घबरा के। यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे पंगा मत लेना मेरी जान। नहीं समझे हैं वो हमें जाता है, हारी बाजी को जीतना हमें आता है। मतवाली परियां जो है अदालत पे कुर्बान, जब भी मंदिर की ये समझेंगी तो हम पे छिड़केंगी अपनी जान। यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हम भी है शहजादे कुर्बान। नहीं समझे हैं चुमके, नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस एपिसोड। डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस एपिसोड विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल। चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से कहानियां और आपके पसंदीदा गानों के साथ।